नमस्कार किसान भाइयों गोर फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में शुरुआती अवस्था में पहले स्प्रे में हमें कौन सी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए इससे पहले हम जान लेते हैं कि सोयाबीन में कौन कौन से कीटों का प्रकोप ज़्यादा रहता है अगर कीटों की बात करें तो शुरुआती अवस्था में जो चबाने वाली इल्लियाँ हैं उनका प्रकोप रहता है उसी के साथ में स्टेम फ्लाई का प्रकोप रहता है शुरुआती अवस्था में और अगर आप स्टेम फ्लाई को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लेते हैं तो बेहतर है लेकिन अगर आप लास्ट में इसे कंट्रोल करने की सोचोगे तो ये लास्ट में कंट्रोल नहीं होता है सन दो में जो स्टेम फ्लाई का प्रकोप आया था उससे किसानों ने सीख लेकर कुछ ऐसी उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चालू कर दिया है जिस पर स्टेम फ्लाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन कुछ किसान अभी भी ऐसे हैं जो कि पुरानी जो किस्में हैं उनका ही चयन अभी तक करते आ रहे हैं तो मेरा उन सभी से भी यही निवेदन है कि अगर आप सोयाबीन की उन्नत किस्मों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप सोयाबीन के आने वाली उन्नत किस्मों का प्रयोग करें जिन पर कि स्टेम फ्लाई का किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर इसे कंट्रोल करने की बात करें तो ऐसे दो केमिकल हैं जो कि स्टेम फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं एक तो थायोमेथागजाम पच्चीस परसेंट डब्ल्यू जी उसी के साथ में इमिडा क्लोरपीड़ ये दो ऐसे केमिकल हैं जो कि स्टेम फ्लाई को शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लेते हैं अगर इन दोनों में से ही देखा जाए तो थायमेथागजाम जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेम फ्लाई को कंट्रोल करता है अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आता है कि हमें स्टेम फ्लाई को भी कंट्रोल करना है उसी के साथ में इलियो को भी कंट्रोल करना है तो मार्केट में आपको ऐसे कई केमिकल मिल जाएंगे जो कि इल्लीओ को भी कंट्रोल करते हैं उसी के साथ में स्नेम फ्लाई को भी कंट्रोल करते हैं अगर आप दो केमिकल वाले एक कीटनाशक का कर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि सजेंटा कंपनी का इली का और भी काफ़ी कंपनियाँ हैं किसी का भी आप कर सकते हैं उसी के साथ में अगर आप अलग अलग कीटनाशकों को मिलाकर फिर प्रयोग में करना चाहते हैं तो आप थामेथाक्साम पच्चीस परसेंट डब्ल्यू जी को ले सकते हैं जो कि आपको यू पी एल कंपनी का रेनोवा मिल जाएगा धनोवा कंपनी का एरेवा मिल जाएगा तो इससे आप स्टेम इस फ्लाई को कंट्रोल कर लेंगे उसी के साथ में आप इसमें मिलाकर ईमा बेनजोड को ले सकते हैं उसी के साथ में क्रोल एंट्रा निलीप्रोल को ले सकते हैं उसी के साथ में आप लेमडा साइलोथिन को अलग से लेकर इसमें मिला सकते हैं तो आपको जिस प्रकार से बेहतर लगे बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद